गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 18th और 19th ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूपी गवर्नमेंट कोलाबरेटेड विथ विच इंस्टीट्यूट टू इन्हांस द डिजास्टर मैनेजमेंट। हाल ही में यूपी की गवर्नमेंट ने किस इंस्टीट्यूट के साथ कोलाबरेट किया है डिजास्टर मैनेजमेंट को इन्हांस करने के लिए? तो इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने कोलाबरेट किया है आईआईटी रुड़की के साथ, जिससे कि वो अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के तरीके को इम्प्रूव कर सके। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर लिया है आईआईटी रुड़की के साथ, जिससे कि डिजास्टर की जो प्रिपेयरनेस है वो मजबूत हो सके और मिटिगेशन एफर्ट्स को और इन्हांस किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज आईआईटी रुड़की। यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा इंस्टीट्यूट, और अगली स्लाइड में हम कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट देखेंगे जो किसी ना किसी वजह से न्यूज में आए थे। पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज बीन ऑनर्ड विद द नेल्सन मैंडेला अवार्ड 2024 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट को नेल्सन मैंडेला अवार्ड दिया गया है बाय द WHO? तो आंसर है यहाँ पे NIMHANS। NIMHANS का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो मेंटल हेल्थ एंड साइंसेज। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया है WHO ने। Recently, which institute has collaborated with Munitions India Limited to create the nation's first domestically designed 155 smart ammunition? तो हाल ही में IIT मद्रास ने साइन किया ये कोलाबरेशन विथ Munitions India Limited, जिसके बाद वो मिलकर क्रिएट कर रहे हैं इंडिया का पहला domestically designed 155 smart ammunition. Recently, which institute has successfully established and tested India's first hypervelocity expansion टनल टेस्ट फैसिलिटी? ये है IIT कानपुर। इन्होंने सक्सेसफुली स्टैब्लिश और टेस्ट किया इंडिया की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी को। ठीक है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी? तो यहां पे सिलेक्ट किया गया 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, जो कि यूपी में लाई करता है। इसको सिलेक्ट किया गया फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, किस कैटेगरी में? इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इनॉग्रेटेड एट विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? इस इंस्टीट्यूट को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी में। द लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज फॉर लॉन्चिंग इट्स नैनो सैटेलाइट कॉल्ड VSAT इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन, ये कहाँ पे है? थिरुवनंतपुरम में। किस वजह से न्यूज में आया था? क्योंकि यहाँ पे अ बंच ऑफ वुमेन ने एक नैनो सैटेलाइट खुद से लॉन्च किया है, जिसका नाम इन्होंने VSAT रखा था। ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट हो गए जो किसी ना किसी वजह से न्यूज में आए थे, और इनके बारे में ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। नेक्स्ट है, What was the primary objective of the Cassini-Huygens mission recently seen in the news? इस मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको यहाँ पे ये बताना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि Cassini-Huygens mission नासा का है, और नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है, जिसके बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। ये पार्ट है इनके ज्वाइंट मिशन का विथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड ASI। हाल ही में इसने ये बात अनवील करी है कि जो आईसी सरफेस है सैटर्न के मून मिमास में, उसके नीचे एक वास्ट ओशन मौजूद है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था 1997 में, और कैसिनी का पर्पस था कि वो सैटर्न के अराउंड चक्कर लगाए। फ्रॉम 2004 टू 2017 इसने चक्कर भी लगाया, जहां पे इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी नासा को अबाउट द प्लैनेट एंड इट्स मून। इसका वेट था टोटल 2125 kgs, और इसने टाइटन के सरफेस को भी काफी हद तक मैप किया था विथ रडार, और सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी काफी कुछ स्टडीज करी थी। ठीक है, तो कैसिनी का जो ह्यूगन्स प्रोब है, इसका वेट है 349 kgs, और ये लैंड करने गया था टाइटन के ऊपर, जहां पे इसने 6 और मून्स डिस्कवर किए। और इसके अलावा इसने ये आइडेंटिफाई किया कि इंसेलेडस और टाइटन पोटेंशियल लोकेशंस हो सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस इसका है टू इन्वेस्टिगेट द एटमॉस्फेयर एंड द मून्स ऑफ सैटर्न। बेसिकली जो कैसिनी-ह्यूगन्स मिशन है ये सैटर्न प्लैनेट से एसोसिएटेड है। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं डिफरेंट इनिशिएटिव्स के। What is the primary objective of the e-Jagriti portal recently mentioned in the news? e-Jagriti portal जो आजकल चर्चे में आया था, इसका primary purpose क्या है, आपको ये बताना है। इसका purpose है consumer dispute redressal को facilitate करना। ठीक है, What is the primary objective of the Swati portal recently seen in the news? Swati portal का purpose क्या है? एक single online portal
क्रिएट करना जिसमें कि रिप्रेजेंट किया जाएगा इंडिया की वुमेन और गर्ल्स को इन द स्टेम सेक्टर. फाइन. What is the primary objective of Samarth scheme recently seen in the news? Samarth ka purpose hai assistance provide karna to the MSMEs. What is the primary objective of Ghar portal recently seen in the news? Ghar portal ka primary purpose kya hai aapko ye batana hai. To Ghar portal ka purpose ye hai ki aap digitally track aur monitor kar sake restoration aur repatriation of children ko. ठीक है. तो बेसिकली जो बच्चों का रेस्टोरेशन होता है उस पर्पस के लिए इस पोर्टल को रेडी किया गया. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ तेलंगानाज गृह ज्योति स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गृह ज्योति स्कीम किस स्टेट की है. आंसर इज तेलंगाना. इसका पर्पस या इसका एम क्या है. तो इसका एम है 200 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना फ्री में. ठीक है. What is the primary objective of NASA's Ingenuity Mars helicopter which was seen in the news? सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि Ingenuity Mars helicopter किस स्पेस एजेंसी का है, NASA का, और इसका पर्पस है एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट करना मार्स प्लैनेट पे. ठीक है. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि कैसिनी ह्यूगन्स मिशन सैटर्न प्लैनेट से एसोसिएटेड है, उसी तरह से Ingenuity जो मार्स हेलीकॉप्टर इनका है वो मार्स प्लैनेट के साथ रिलेटेड है. ठीक है. Where was the नशा मुक्त भारत अभियान व्हीकल launched? नशा मुक्त भारत अभियान व्हीकल हाल ही में कहां पे लॉन्च हुई है आपको ये बताना है. तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कोलैबोरेट किया है ब्रह्म कुमारीज के साथ और इन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान की व्हीकल को हाल ही में लॉन्च किया है दिल्ली एनसीआर में. और इसका पर्पज होगा ड्रग अब्यूज अवेयरनेस क्रिएट करना. और ये पार्ट है नशा मुक्त भारत अभियान का. बेसिकली इसका फोकस है कि हम यूथ को एजुकेट कर सकें कि किस तरह से ड्रग्स आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं या क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. और ये जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू अवेयरनेस एक्टिविटीज कुछ कंडक्ट की जाएंगी. साथ ही इस कैंपेन की रीच को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और जो इसका इम्पैक्ट है उसको और ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही है थ्रू आउट दिल्ली. ठीक है. तो नशा मुक्त भारत अभियान व्हीकल लॉन्च किया गया है दिल्ली एनसीआर में. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. यहाँ पे हमारा कीवर्ड है अभियान और अगली स्लाइड में हम कुछ कैंपेन्स या डिफरेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं. पहला है प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग. प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव रिलेटेड है एलपीजी के साथ. ठीक है. और इसका पर्पज क्या है यहाँ पे कि आप ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकें और जो उसकी क्वालिटी होती है एलपीजी की वो आपको एकदम 100% ऑथेंटिक मिले. रिसेंटली विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ओएनडीसी मींस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स टू एम्पावर द एमएसएमईज. हाल ही में क्यूसीआई और ओएनडीसी ने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है एमएसएमईज की एम्पावरमेंट के लिए और इसका नाम इन्होंने रखा है डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल. ठीक है. किलकारी प्रोग्राम अ मोबाइल हेल्थ इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट्स. किलकारी प्रोग्राम को हाल ही में दो स्टेट्स में लॉन्च किया गया, गुजरात और महाराष्ट्र. इसमें जो है डिफरेंट तरह की चीजें बताई जाती हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड. डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट. ये इनिशिएटिव कर्नाटका का है और पर्पज इसका क्या था कि जो टेक्नोलॉजी की वजह से हार्मफुल साइड इफेक्ट्स जनरेट होते जा रहे हैं उनको टैकल करना. Which motivational speaker and NGO founder was appointed as a brand ambassador for the government's Viksit Bharat Abhiyan initiative? Government का जो Viksit Bharat Abhiyan initiative है इसके लिए इन्होंने brand ambassador नियुक्त किया है अमिताभ शाह को. ठीक है. Next है Where was the first ever Digital India Future Skills Summit held? जो पहली Digital India Future Skills Summit है ये कहाँ पे हुई है आपको ये बताना है, यानी कि इसका venue बताना है आपको. तो ये पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट थी जो कि गुवाहाटी असम स्टेट में हुई है और इस समिट को ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने थ्रू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी. फाइन. ये समिट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म साबित हुआ फॉर डिस्कशंस इनसाइट्स एंड कोलैबोरेशंस जिससे कि डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके और ये होगा इन लाइन विद नीड्स ऑफ द न्यू एज इंडस्ट्री. तो इस समिट में फीचर किए गए 20 स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस, 1000 अटेंडीज मौजूद थे और साथ ही 30 एग्जीबिशंस लगाई गई थी. तो आपको बस वेन्यू याद रखना है क्योंकि ये पहली हमारी समिट थी डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल की, इसके लिए वेन्यू था गुवाहाटी असम. फाइन. चलिए अगले स्लाइड में कुछ समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज हम रिवाइज कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री वन द 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज फॉर AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024. सबसे पहले आपको वेन्यू याद रखना होगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के लिए इस साल वेन्यू था दुबई और इस साल किसने प्राइज जीता है तो आंसर है इंडिया.
Recently, which countries have been declared as the guest of honor at the 2024 World Government Summit in Dubai? ये जो World Government Summit की हम बात कर रहे हैं, इसमें guest of honor तीन countries थी basically. पहली है इसमें India, second है Qatar और third है यहाँ पे Turkey. Where were the Indian Navy's ARC 24 means Annual Refit Conference 24 and AIC 24 Annual Infrastructure Conference 24 conducted? ये दोनों conferences हुई हैं मुंबई city में. Where was the 7th Indian Ocean Conference held? Indian Ocean Conference का जो सातवां edition था वो हुआ है Australia में. Where was the Commonwealth Attorneys and Solicitors General Conference held? ये conference कुछ दिनों पहले हुई थी नई दिल्ली में. Where was the first National Conference on Promotion of Seaweed Cultivation held? ये conference हुई थी कच्छ गुजरात के अंदर, ठीक है. Who has been honored with the prestigious विशिष्ट सेवा medal for developing multi-purpose octocopter? तो किसको ऑनर किया गया विद द प्रेस्टीजियस विशिष्ट सेवा मेडल, किस लिए? फॉर डेवलपिंग मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर. यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, वरिंदर सिंह. ये एक मेंबर है सिख रेजिमेंट के इन द इंडियन आर्मी. इन्होंने रिसीव किया विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनके एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए टू द मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो ये इनका मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर था जिससे कि इन्होंने शोकेस किया ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट को इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, और इसके थ्रू इनके आउटस्टैंडिंग एफर्ट को बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर है वरिंदर सिंह, ये मेंबर हैं सिख रेजिमेंट के इन द इंडियन आर्मी. चलिए अगली स्लाइड में कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं. रिसेंटली आई ट्रिपल ई केरला सेक्शन हैज गिवन द के पी पी नाम्बियार अवार्ड टू होम. आई ट्रिपल ई केरला सेक्शन ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है हमारे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी को. अकॉर्डिंग टू द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स बाय स्काईट्रैक्स इन 2023, which airport was crowned the world's best airport for the year 2023? As per the Skytrax Awards in 2023, Changi Airport ko declare kiya gaya duniya ka best airport for 2023. Aur Changi Airport kahan pe hai? Answer hai Singapore mein. Who recently became the first Indian woman to receive the Arjuna Award for equestrian sport? Haal hi mein Divya Kriti Singh पहली इंडिया की वुमेन बन चुकी हैं जिन्होंने रिसीव किया अर्जुना अवार्ड्स को फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट. रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर असम्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नेम्ड एज असम वैभव. ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया रंजन गोगोई को, ठीक है. और लास्ट रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंडन अवार्ड. ये अवार्ड दिया गया अजीत मिश्रा को. फाइन, नेक्स्ट है. What is the IUCN status of olive red leaf turtles recently seen in the news? इनका IUCN status क्या है आपको ये बताना है. Answer है यहाँ पे vulnerable, A option. Actually किस वजह से news में आए? Because आंध्र प्रदेश की government ने enforce किया है एक month का fishing ban within a 5 kilometers radius of the Hope Islands, ताकि वो olive red leaf turtles को safeguards कर सके along the Kakinada coast, ठीक है. तो olive red leaves जो है ये स्मॉलेस्ट सी टर्टल्स होते हैं ग्लोबली, और ये जाने जाते हैं अपने यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जिसका नाम होता है एरीबेडा. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि एरीबेडा किस पर्टिकुलर स्पेशीज की मास नेस्टिंग के लिए टर्म यूज किया जाता है. तो आंसर है ऑलिव रेडली टर्टल्स. और प्राइमरीली ये इनहैबिट करते हैं वार्म वाटर्स में इन द पैसिफिक एटलांटिक एंड द इंडियन ओशन. याद रखिएगा जो गाहिर माथा मरीन सेंचुरी है ओडिशा की, यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा सी टर्टल्स मौजूद हैं इस वैरायटी के, और इनका आयुसीन स्टेटस फिलहाल वल्नरेबल है. और जाहिर सी बात है ये काफी ज्यादा थ्रेट फेस कर रहे हैं और इनको हमें कंजर्व करने की जरूरत है, ठीक है. तो अगर कोई भी स्पेशीज न्यूज में आ जाते हैं तो फिर उनका आयुसीन स्टेटस जरूर आपको याद रखना पड़ेगा. ऑलिव रेडली टर्टल्स का आयुसीन स्टेटस है वल्नरेबल. चलिए कुछ स्पेशीज के आयुसीन स्टेटस हम रिवाइज कर लेते हैं. अच्छा, एक दिन कमेंट्स में कोई पूछ रहा था कि इसको याद करने की कोई ट्रिक बता दीजिए. देखिए, इसको याद करने की कोई ऐसी एज सच ट्रिक नहीं मौजूद है, आपको इनको याद ही करना पड़ेगा. ये आप कर सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा सेपरेट नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि आपने वल्नरेबल की एक सेपरेट लिस्ट बना ली कि इसमें कौन कौन सी स्पेशीज हैं जो न्यूज में आई हैं, जैसे कि 1, 2, 3 करके. 3-4 ही होते हैं यूजुअली जो आपको याद करने होंगे अगर 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है. फिर इसी तरह से आप जो है नियर थ्रेटेंड का बना सकते हैं, एंडेंजर्ड का बना सकते हैं, थ्रेटेंड का बना सकते हैं. तो इससे होगा क्या, वो चीजें जो है आपके दिमाग में बैठ जाएंगी तो आपको क्लासीफाई करना आसान होगा, ठीक है. बाकी बहुत सारी स्पेशीज हैं और सबका यूसीएन स्टेटस आप इस तरह से याद नहीं रख सकते. बस ये है कि जो 2-3 महीने में न्यूज में आते जा रहे हैं उनको आप जरूर ध्यान में रखा करिए, ठीक है. पहला क्वेश्चन है, What is the IUCN status of black necked crane recently seen in the news? Black necked crane का IUCN status क्या है? Answer है near threatened.
व्हाट इज द आयुसीन स्टेटस ऑफ इंडियन ग्रे वुल्फ रिसेंटली सीन इन द न्यूज. इनका आयुसीन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न. व्हाट इज द आयुसीन स्टेटस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फिलहाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं. व्हाट इज द आयुसीन स्टेटस ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन रिसेंटली सीन इन द न्यूज. ये फिलहाल इंडेंजर्ड है. व्हाट इज द आयुसीन स्टेटस ऑफ इंडियन वल्चर रिसेंटली सीन इन द न्यूज. इनका स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड. और लास्ट है व्हाट इज द करंट कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द हिमालयन वुल्फ एज एग्जामिन्ड बाय द आईयूसीएन इन द रेड लिस्ट. आंसर इज वल्नरेबल. ठीक है, आपको याद होगा ये सारी स्पेशीज हमने पीछे लेक्चर्स में डिस्कस करी हुई हैं कि किस वजह से ये स्पेशीज न्यूज में आई थी. यहाँ पे बस हम इनका आईयूसीएन स्टेटस देखेंगे. और ये सारे क्वेश्चंस कई बार एज अ वन मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस पे स्पेंड करिए. अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो पहले आप जो प्रायोरिटी वाले एरियाज हैं जैसे कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन हैं, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सारी चीजें आप पहले कवर करिए. और ये सारी चीजें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा नीचे होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि यूजुअली इसके क्वेश्चन आता भी है नहीं भी आता है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि ओवरऑल 360 डिग्री कवरेज करते हैं इसलिए हमें ये भी इंक्लूड करना पड़ता है. अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको इंक्लूड करिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं. नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट पुलिस फोर्स बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू यूटिलाइज द ड्रोन्स फॉर लॉन्चिंग द टियर गैस. हाल ही में कौन से स्टेट की पुलिस फोर्स पहली बन चुकी है इंडिया के अंदर जिसने की ड्रोन्स को यूटिलाइज किया टियर गैस को लॉन्च करने के लिए. यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज हरियाणा. हरियाणा पुलिस ने यूज किया ड्रोन्स को टू ड्रॉप द टियर गैस शेल्स प्रोटेस्टर्स के ऊपर नियर द शंभू बॉर्डर. ठीक है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने इंडिया के अंदर ड्रोन्स को यूज किया टू लॉन्च टियर गैस. और जो ड्रोन्स हैं इनको ओरिजिनली डिजाइन किया गया था टू मॉनिटर द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप. और किस लिए और इनको यूज किया जाता है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनको सर्वे करने के लिए और सिक्योरिटी सर्विलांस को कंडक्ट करने के लिए हमारे सेंसिटिव एरियाज में. ठीक है, तो ये जो ड्रोन्स हैं इनको रिपर्पज किया गया फॉर क्राउड कंट्रोल. तो पहली बार हरियाणा स्टेट की पुलिस फोर्स ने यूज किया है ड्रोन्स को फॉर लॉन्चिंग द टियर गैस. चलिए कुछ चीजें देख लेते हैं जो फर्स्ट इन न्यूज के तौर पे सामने आई. रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस इज लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट. हाल ही में इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कौन से स्टेट में लॉन्च की गई, आपको ये बताना है. तो इंडिया इंट्रोड्यूस करा चुकी है अपने इनॉग्रल हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को उत्तराखंड स्टेट के अंदर. और ये अनाउंसमेंट की हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने. ठीक है, तो ये बेस्ड है एम्स ऋषिकेश में और इसका पर्पज है स्विफ्टली आप एयरलिफ्ट करा सकें एक्सीडेंट विक्टिम्स को विद इन 150 किलोमीटर रेडियस फॉर टाइमली क्रिटिकल केयर. ये जो इनिशिएटिव है हमारा ये अलाइन करता है गवर्नमेंट के कमिटमेंट के साथ जिसमें कि ये बात हुई थी कि मेडिकल आउटरीच को बढ़ाया जाएगा और ट्रॉमा केयर सर्विसेज को एक्सटेंड की जाएंगी. ठीक है, तो इसमें आप टाइमली ट्रांसपोर्टेशन करा सकते हैं पेशेंट्स का इन द हिली टेरेन्स जिससे कि वाइटल केयर का एक्सेस हो सके एट एम्स विद इन द क्रूशल पोस्ट एक्सीडेंट के गोल्डन आवर में. यानी कि जो पोस्ट एक्सीडेंट के बाद एक एक सेकेंड कीमती होता है उस दौरान आप पेशेंट की जान को बचा सकें. ठीक है, तो इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस फैसिलिटेट कराई गई है उत्तराखंड में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी. दुनिया की सबसे पहली एयर टैक्सी बनाई जा रही है दुबई में. वेयर वॉज द फर्स्ट काउंसिल मीटिंग ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड हेल्ड. जो पहली मीटिंग है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की ये कहां पे हुई है, तो यहां पे आपका आंसर है यूएस. Which state has secured the first position in the medal tally at the Khelo India Youth Games 2023 in Chennai? सबसे पहले वेन्यू याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस साल तमिलनाडु में हुआ था और इसमें फर्स्ट पोजिशन मेडल टैली में किसको मिली थी, महाराष्ट्र को. सेकेंड पे था इसमें तमिलनाडु. Recently, which neurotechnology company has embedded the first computer chip in a human brain? तो पहली बार ये कमाल दिखाया है Neuralink ने. Neuralink ने पहली बार एक कंप्यूटर चिप को इंस्टॉल किया है ह्यूमन ब्रेन में जिससे कि जो लोग भी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं या जो लोग काम नहीं कर सकते वो अपने ब्रेन का यूज करके डायरेक्टली कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं. रिसेंटली वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल लेट. तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रख दी गई है असम स्टेट में. ठीक है, Recently, Indian hammer thrower Rachna Kumari has been banned for how many years of doping? हाल ही में इंडिया की hammer thrower Rachna Kumari को बैन किया गया है डोपिंग के मामले की वजह से, कितने सालों के लिए आपको ये पूछ रहा है. तो एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट और नाडा मीन्स नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने सब्सटैंशियल सस्पेंशन जारी कर दिए हैं इंडिया के दो एथलीट्स के ऊपर. इसमें पहली है रचना कुमारी जो कि एक हैमर थ्रोवर थी, इनको 12 साल का सस्पेंशन मिल चुका है. इनके सेकेंड
एंटी डोपिंग वायलेशन की वजह से, और सेकंड इसमें कौन है, क्वार्टर माइलर निर्मला शिवरान। ठीक है, इनकी हिस्ट्री है एक वायलेशन की, इन्होंने बहुत बार रूल को तोड़े हैं और इन्होंने लॉस को वायलेट किए हैं, इसकी वजह से इनको 8 साल का सस्पेंशन मिला है नाडा की तरफ से फॉर हर सेकेंड ऑफेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों नाम याद रखिएगा, रचना कुमारी जो कि एक हैमर थ्रोवर है, इनको बैन कर दिया है नाडा और एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने अगले 12 सालों के लिए फॉर डोपिंग। चलिए कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। वेयर वॉज द सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स टेस्टिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इनॉग्रेटेड। ये सेंटर हाल ही में इस्टेब्लिश किया गया गांधीनगर सिटी में इन द स्टेट ऑफ गुजरात। कलाइग्नर स्पोर्ट्स किट स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट। तो ये जो किट स्कीम है ये लॉन्च की है तमिलनाडु स्टेट ने। मनदीप जांगरा हु वॉज सीन इन द न्यूज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। मनदीप जांगरा एक बॉक्सर हैं और पिछले दिनों ये न्यूज में थे। सुखबीर सिंह गिल हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। सुखबीर सिंह गिल एक हॉकी प्लेयर थे और पिछले दिनों इनका निधन हो गया। मापोइन राह मुखरा एंड वैपोंग सिका दैट वर रिसेंटली इन द न्यूज आर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये सारे स्पोर्ट्स जो हैं मेघालय में खेले जाते हैं। नेक्स्ट है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग लिफ्टेड सस्पेंशन ऑन द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ विच कंट्री। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में सस्पेंशन हटा लिया है किस कंट्री की रेसलिंग फेडरेशन से। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने सस्पेंशन हटाया ऑन द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और WFI प्लेस हुआ था अंडर द प्रोविजनल सस्पेंशन ऑन 23rd of August 2023। क्यों, रीजन क्या थे, क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो पा रहे थे रीजनेबल टाइम फ्रेम में। ठीक है, सस्पेंशन लिफ्ट का मतलब क्या होता है कि अब जो भी इंडिया के रेसलर्स हैं वो कम्पीट कर सकते हैं अपकमिंग टूर्नामेंट में अंडर आवर कंट्रीज फ्लैग। फाइन, तो हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने सस्पेंशन लिफ्ट कर लिया है। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू एन ऑयल स्पिल। हाल ही में त्रिनिदाद एंड टोबैको कंट्री ने डिक्लेयर किया नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू एन ऑयल स्पिल। अलेक्जेंडर स्टब रिसेंटली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं फिनलैंड कंट्री के लिए। रिसेंटली विच कंट्री हैज इनॉग्रेटेड इट्स न्यूएस्ट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन द किनलिंग फैसिलिटी। हाल ही में चाइना ने इनॉग्रेट कर लिया है अपना लेटेस्ट और न्यूएस्ट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन जिसका नाम है किनलिंग फैसिलिटी, और ये इसी के साथ इनकी 5वीं अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है। विच मिडिल ईस्टर्न कंट्री रिसेंटली लॉन्च द माहदा कैहान 2 एंड हतेफ 1 सैटेलाइट्स एज सीन इन द न्यूज। हाल ही में ईरान ने लॉन्च करी है इन सारी सैटेलाइट्स को। रिसेंटली इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली। इंडिया ने सरपास कर दिया हांगकांग कंट्री को, इसी के साथ इंडिया बन चुका है चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट ग्लोबल लेवल पे। टॉप 3 कंट्रीज इसमें कौन सी हैं, पहला है US, सेकेंड है चाइना और थर्ड है जापान। लास्ट क्वेश्चन है, बरसिंग सार सोलर पावर प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये पावर प्लांट कहाँ पे है आपको ये बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नींव रख दी है 300 मेगावाट के बरसिंगसार सोलर पावर प्लांट की राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसी के साथ जो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स हैं वो एडवांस हो रहे हैं, और इसके लिए NLC इंडिया लिमिटेड जो कि एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ये इंप्लीमेंट कर रही है इस प्रोजेक्ट को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज CPSE स्कीम। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव अलाइन करता है विद द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, और इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है ताकि बेसिक एम हमारा क्या है 750 मिलियन यूनिट्स ऑफ ग्रीन पावर एनुअली प्रोड्यूस करना, और इसी के साथ NLCIL यानी कि NLC इंडिया लिमिटेड फर्स्ट CPSE है जो कि अचीव करेगा 1 गीगावाट सोलर कैपेसिटी माइलस्टोन को इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बरसिंगसार सोलर पावर प्लांट कहां पे है, आंसर इज राजस्थान। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। रिसेंटली विच स्टेट पुलिस फोर्स बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू यूटिलाइज द ड्रोन्स फॉर लॉन्चिंग द टीयर गैस। ये हमने बात करी है ऑलरेडी कि हरियाणा की स्टेट पुलिस फोर्स पहली बन चुकी है इंडिया के अंदर जो कि ड्रोन्स को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर लॉन्चिंग द टीयर गैस। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस इज लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट। इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड स्टेट में। आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड एन 8th सेंचुरी कोत्रावई स्कल्पचर इन विच इंडियन स्टेट। ये डिस्कवर हुआ है हमें तमिलनाडु से। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड द स्वयं स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द यूथ। तो हाल ही में ओडिशा स्टेट ने स्वयं नाम की स्कीम को लॉन्च किया है जिसके थ्रू इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा यूथ को जो कि अनएम्प्लॉयड या फिर अंडर एम्प्लॉयड होंगे स्टेट के अंदर।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड काजी नेमू सिट्रस लेमन एज द स्टेट फ्रूट? यहाँ पे आंसर है असम. असम ने काजी नेमू यानी कि सिट्रस लेमन को डिक्लेयर कर दिया है एज द स्टेट फ्रूट. एक और क्वेश्चन यहाँ पे रह जाता है. राजस्थान की गवर्नमेंट ने हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया है सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना, ठीक है. इसके अंडर में आपको मंथली पेंशन मिलेगी 2000 रुपए की सभी एलिजिबल वर्कर्स को जो कि 60 या 60 प्लस होंगे. और इस इनिशिएटिव का एम है कि लेबरर्स को सपोर्ट मिल सके और स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट किया जा सके जिससे कि उनका वेलफेयर एंश्योर हो सके बाय हेल्पिंग देम मीट डेली नीड्स इंडिपेंडेंटली. फाइन, इससे होगा क्या, जो भी वल्नरेबल सेक्शंस है राजस्थान में उनकी लाइवलीहुड काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी. तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में एक स्पेशल स्कीम लॉन्च करी है अपने यहाँ के लेबरर्स और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जिसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान स्टेट. तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया. आई होप कि आपने सेशन को काफी इंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे. चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे. ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे. विद दिस मीनू हत्सना साइनिंग ऑफ.